हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई किंग एंड के पिजन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया से होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज की ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा और मैं इस वीडियो में कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे, और वो बातें जो सभी भाइयों के लिए हैं। और मैं पर्सनली जो है, मुझे किसी से कोई ना ही गिला है, शिकवा है, ना ही पर्सनली कोई मेरी रंजिश है किसी के साथ। और सभी भाई जो हैं, जो वीडियोस देखते हैं, सभी प्यार वाले भाई हैं और सभी जो हैं हमारे कॉमन सब्सक्राइबर्स ही हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो वॉच कर रहा था और उस वीडियो में आसिम भाई ने काफ़ी कुछ बातें की और मैं आसिम भाई की बात को बिल्कुल उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और शायद मैंने भी कोई बीच में बात की थी, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए यही कहूँगा कि मैं उमर हो या आसिम भाई हो या फिर हमारा नासिर भाई जो है, वो भी हमारे लिए इक्वल ही है, ऐसी बात नहीं है। कबूतर परवर भाई है वो भी, और चिड़ी मारी दिखें हर इंसान करता है, ऐसी बात नहीं है। और बाकी मेरा जो है, ना ही नासिर भाई से कोई पर्सनली कोई दुश्मनी है या नासिर भाई से मैं कोई वो हूँ, नाराज़ हूँ या कुछ ऐसा। नासिर भाई जो हैं बड़े हैं, तो बड़ों की बेसिकली अगर कोई, कई बार क्या होता है हम बात कर देते हैं उनको बुरा लग जाता है। तो मैं नासिर भाई से यही कहना चाहूँगा, नासिर भाई अगर आपसे, आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा है तो मैं उसके लिए आपसे यही कहूँगा कि वो शब्द तो वापस हो नहीं सकेंगे, लेकिन ये है कि आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नासिर भाई, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मैंने कोई बात भी की होगी ना, तो उसमें मैंने यही कहा होगा कि उसका शौक जो है, बच्चा है वो, बच्चा क्या मतलब 25 साल का लड़का है और आपका उनके साथ उम्र के साथ जो है कोई वो नहीं बनता, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं बनता। आपका अपना जाल है, आपकी अपनी छत है, आप अपनी छत के मालिक हैं, वो अपनी छत का मालिक है। लेकिन आज मैं आपको एक सच बात बताता हूँ कि मैंने उमर से बेसिकली ये बात कही थी कि उमर अपना येलो कलर छोड़ के कोई और कलर कर लो। मैंने उमर को ये चीज़ का आइडिया भी दिया था कि आप ऑरेंज कलर कर लो। तो खैर, उमर ने कहा था कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाऊँगा। बाकी ये मुझे नहीं पता इंटरनली क्या बात है क्या नहीं है। उमर को भी हम पसंद करते हैं, आपकी वीडियोज़ भी देखते हैं, और आसिम भाई जो हैं वो तो बेचारे ऐसे ही पिस जाते हैं बीच में। तो खैर, आसिम भाई से कोई हमारा गिला शिकवा नहीं है, ना ही हम कभी उनके लिए कोई गलत बात करेंगे। लेकिन स्टिल यही कहूँगा कि नासिर भाई, आप बड़े हैं और हम मान लेते हैं हम सब जो हैं लोग सारे छोटे हैं, और आप बड़े होने के नाते अपनी बड़ेपन का जो है एक मिसाल पेश करें, और जो भी बातें हुई हैं, जो भी अभी तक हुआ है, उस चीज़ को बेसिकली दिल पे मत लीजिए और अपना शौक दिखाइए। हम आपकी वीडियोस देखते हैं, ऐसा नहीं है आपकी वीडियोस नहीं देखते हैं, आपकी वीडियोस भी देखते हैं। और उम्र को छोड़ दीजिए उसके हाल पे। और मैं तो खैर दिल से कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन अगर मेरी बात को आपने कोई सीरियस लिया है तो उसको मत लीजिएगा। देखें, बहुत सारे मैं वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, सबकी वीडियोस में वॉच करता हूँ, और कभी भी मैं किसी को गलत कमेंट नहीं करता हूँ। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू बना और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं सामने आई या जो भी है। तो मैं कभी भी अपनी वीडियो में, खैर किसी का उस बंदे का नाम नहीं लेता हूँ जिसको मैं नहीं जानता हूँ या जिसके लिए मैं मतलब कोई गलत बात करूँ। तो सिंपल इतना ही कहूँगा कि अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि सॉरी। बाकी आप अपना शौक जो है वो करें, और उमर अपना शौक कर रहा है। तो खैर, जो भी उमर के सब्सक्राइबर्स हैं वो हम सबके सब्सक्राइबर्स हैं, कॉमन सब्सक्राइबर्स हैं। और सभी सब्सक्राइबर भाइयों से भी मैं यही कहूँगा कि खैर, नासिर भाई की वीडियो पर जाके आप इस तरह के कमेंट ना करें कि अगला बंदा जो है बिल्कुल डीमोटिवेट होके वो यूट्यूब ही छोड़ दे या काम करना ही छोड़ दे। तो खैर, अगर नासिर भाई को यूट्यूब चैनल से कोई रोज़ी रोटी उसकी बन जाती है
तो हमें उनको बेसिकली इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर हुई हैं अभी तक, जो हुआ सो हुआ, उसको हम वापस तो कर नहीं सकते, लेकिन आगे ये कह सकते हैं कि आगे इन फ्यूचर इन सब चीज़ों का भाई लोग भी ध्यान रखेंगे और कभी भी गलत कमेंट नहीं करिएगा। उम्र से हम लोग जो हैं सारे जो हैं वो प्यार करते हैं, और उम्र से भी यही कहूँगा कि अपनी जो भी वीडियोस बनाए अपने शौक से रिलेटेड बनाए, हम उसके शौक को देखते हैं, शौक से काफ़ी खुश होते हैं, उसका शौक जो है अपना शौक समझते हैं, उसकी छत जो है अपनी छत समझते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मैं उम्र से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उम्र जो है वो छोटा है, शायद मेरी भी मेरी बात वो मान ले, आसिम भाई की भी बात मान ले वो। तो मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा कि देखिए, मैं पर्सनली तो आप लोगों को कभी मिला नहीं, ना ही मेरी कोई पर्सनली आपसे कोई वो है, कोई पर्सनल रंजिश है या कुछ ऐसा, तो बिल्कुल भी मेरी किसी बात का आप लोगों ने वो नहीं करना, बुरा नहीं मानना। और आप सारे लोग जो हैं अच्छे लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं और यूट्यूबर्स हैं सारे, और सबका यही है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करो। और इवन कभी कोई गलत बात निकल भी जाती है मुंह से, तो मैं यही कहूँगा कि भाई उसके लिए मैं तो अगर शब्द वापस ले नहीं सकता, वर्ड्स अपने वापस ले नहीं सकता, ठीक है, उसका यही हल हो सकता है कि मैं आगे से जो है आपके लिए या पर्टिकुलर कोई वीडियो या कुछ ऐसा नहीं गलत बोलूँगा। तो आप भी कोशिश करें, आप बड़े हैं तो बड़ों का काम होता है छोटों को माफ़ करना, गलतियाँ सबसे होती हैं। और मैं तो खैर कभी मैंने कभी गलत बोला नहीं है आपके लिए, और ये जो है आपसे ही शुरुआत हुई थी, आपने ही मेरे लिए गलत वीडियो बना के डाली थी कि मुझे कबूतरबाजी का पता नहीं है या कुछ ऐसा, तो उस चीज़ का मुझे भी गुस्सा था, तो जिस वजह से मैंने कुछ वीडियोस में आपके लिए मैंने आपका नाम लेके या आपके बारे में कुछ कह दिया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो चीज़ अगर हम किसी को गलत बोलते हैं तो उसके लिए फिर हमें गलत सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो देखें, अगर हम मजाक कर सकते हैं तो मजाक सहने की भी हिम्मत होनी चाहिए, और अगर हम किसी को गलत बोल सकते हैं तो गलत सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। तो बस इतना ही कहूँगा, आप जो है नासिर भाई अपनी वीडियोस बनाएं और अपना शौक़ दिखाएं, उमर जो है वो अपनी वीडियोस बनाएगा अपना शौक़ दिखाएगा, और मैं उमर से आप अपनी तरफ से जो है आपके लिए बात ज़रूर करूँगा, या इस वीडियो के थ्रू उनको मैं टैग करूँगा, उमर को भी टैग करूँगा, आसिम भाई को भी टैग करूँगा, वो बेचारा बीच में ऐसे पिस जाता है आसिम भाई। तो आसिम भाई खैर ऐसी कोई बात नहीं है, नासिर से कोई पर्सनली कोई वो नहीं है, ठीक है, मैं इन दोनों को बेसिकली देखता हूँ, इनकी वीडियोस वॉच करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं उमर की वीडियोस वॉच करता हूँ, इसमें किसी को कोई गिला नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आसिम भाई की वीडियोस वॉच करता हूँ, इवन कई बहुत सारे और भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं आपके वहाँ के, तो मैं उनकी वीडियोस भी वॉच करता हूँ, इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनकी मैं वीडियोस वॉच करता हूँ। तो खैर, गलत ना मैं बोलता हूँ ना मैं सुनता हूँ। तो अगर नासिर भाई ने वो वीडियो मेरे लिए बनाई थी तो मैंने सिर्फ उस वीडियो का जवाब बीच में, इस वीडियो में जो मैं एक दो वीडियो बनाई पीछे उसमें उसका जवाब था नासिर भाई को, बाकी नासिर भाई से ना ही मेरी पर्सनली दुश्मनी है और ना मुझे ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक रिस्पेक्ट की खातिर, आसिम भाई की रिस्पेक्ट की खातिर, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो वॉच कर रहा था और आसिम भाई ने उसमें मेरा नाम लिया और मुझे उन्होंने ये कहा कि आप वीडियोस ना बनाएं या जो भी है, तो मैं उनकी बात को रखते हुए, उनकी इज़्ज़त रखते हुए आगे से फर्दर जो है कभी भी मैं आपके नाम को यूज़ करके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूंगा कि उमर को जो है उसके हाल पे छोड़ दें, वो जो मर्ज़ी रंग करे। और फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने उमर को, आप उमर से पूछ सकते हैं, मैंने उमर को ये कहा था कि उमर आप येलो कलर छोड़ के ऑरेंज कलर कर लो, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है आप जाएं उमर से पूछें कि क्या मैंने ये बात बोली थी उसको कि नहीं बोली थी। बाकी मुझे कोई सफाइयां देने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो मैं सिंपली एक बना रहा हूँ आसिम भाई के खातिर, और बाकी मेरा कोई पर्सनल आप लोगों से कोई है नहीं कि पर्सनल कोई दुश्मनी है या कुछ ऐसा, तो ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, आप दिल पे मत लें, अपना काम करें, अपनी वीडियोस वगैरह बनाएं, अपना शौक़ दिखाएं, हम भी शौक़ देखने वाले शौकीन लोग हैं और हर कोई जो है आपकी वीडियोस देखता है, और जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखें हर इंसान की रोज़ी रोटी का मसला होता है, और बहुत सारे हमारे ऐसे जानकार होते हैं जो रिश्तेदार दोस्त
है ना, भाई बहन सारे हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे से ध्यान रखिएगा कि नासिर भाई की वीडियो पे कोई भी गलत कमेंट ना करिएगा। और वैसे मैं तो करता नहीं हूँ कोई भी गलत कमेंट, ना मैं कभी फालतू बोलता हूँ किसी के ख़िलाफ़। हाँ, कोई गलत चीज़ होती है उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ और ना ही मैं उसके लिए कभी आगे आऊँगा। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर नासिर भाई को मेरी बात का बुरा लगा है तो मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। और आसिम भाई के खातिर मैंने ये वीडियो बनाई है। आसिम भाई, मैं बिल्कुल नासिर के कोई वो नहीं हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ, या नासिर मुझे वो है गलत लगता है या कुछ ऐसा पसंद नहीं है। हाँ, ज़रूर यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि नासिर भाई का ये नहीं बनता कि उसको बोले जाके कि कौन सा जाल रखना है या कौन से कलर का कलर करना है, कौन सा कलर नहीं करना, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो उमर जो है वो अपना शो कर रहा है, अगर वो तरक्की कर गया है तो हमें उससे जलना नहीं चाहिए, सिंपल। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ। और एक 25 साल के लड़के के साथ ना ही कंपैरिजन बनता है, ना ही कंपैरिजन करना चाहिए। नासिर भाई की एज 50 साल होगी, तो 50 साल से ऊपर ही होंगे वो। आधी एज के लड़के के साथ आप लड़ाइयाँ झगड़े डाल के बैठे हुए तो फिर गुस्सा तो सबको ही आता है। सबके सब्सक्राइबर्स कॉमन हैं, कोई सब्सक्राइबर किसी का अलग नहीं है। तो बस इतना ही कहूँगा कि सभी सब्सक्राइबर भाइयों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि नासिर भाई की वीडियो पे जाके गलत कमेंट ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो आप उसको सिंपल नॉर्मल शब्दों में कोई आप बोल सकते हैं कि हमें वीडियो अच्छी नहीं लगी, आपने गलत बोला या कुछ इस तरह से। लेकिन उनके ख़िलाफ़ या उनका जो है गलत तरीके से ये जो आप नाम शाम नहीं डालना चाहिए किसी इंसान का। हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी होती है, उसका अपना नाम होता है। मेरा तो यही मानना है कि इंसान को उसके नाम से अगर पुकारा जाए या बुलाया जाए वो ज़्यादा बेहतर रहता है, उसकी पहचान होती है वो। और मैं फिर से यही कहूँगा कि आसिम भाई के खातिर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और आसिम भाई मेरा कोई पर्सनल नहीं है इन दोनों के साथ, लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगा कि दोनों जो हैं आपस में मिलके जो हैं बैठ के जो हैं बात करके ही सलूशन मिलेगा। मैं बहुत सारी वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो होता है वो बातचीत होती है। और जिन भाई ने भी उमर को जाल के लिए स्पॉन्सर किया है, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि देखें भैया, आपने पैसे दिए हैं, आपने बहुत मेहनत से कमाए होंगे पैसे, तो मैं बस इतना ही चाहूँगा कि आप अगर ये परमिशन दे रहे हैं उमर को कि वो कोई और कलर कर ले, ऑरेंज कलर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा या कोई और डिफरेंट कलर, तो ये मेरी राय है। अगर आपको अच्छी लगे तब भी बताइए, नहीं अच्छी लगे तब भी बताइएगा। और ये मेरी वीडियो बेसिकली उमर के लिए भी है। उमर, आपने जो है नासिर भाई का या किसी और का भी नाम मत यूज़ करें अपने वीडियो में। आपकी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, आपकी अपनी ऑडियंस है, उस ऑडियंस को जो है आपसे प्यार है, और उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। आसिम भाई की भी एक ऑडियंस है, आसिम भाई से भी सभी को प्यार है, और उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। तो खैर, कोई हमारा वो है नहीं, पर्सनल इशू कभी रहे नहीं ना कभी होंगे, तो एक दूसरे के साथ मिलके रहें। और नासिर भाई के साथ भी शायद हमने कभी कोई फालतू बात गलत बात नहीं की है। वीडियो स्टार्ट बेसिकली नासिर भाई की तरफ से हुई थी, और मैंने उसका बेसिकली अगर कुछ कहा भी है तो उसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि वर्ड्स जो हैं या शब्द जो हैं वो एक बार निकल चुके हैं, वो वापस तो हो नहीं सकते हैं। ये एक ऐसा तीर है जो वापस नहीं होता। लेकिन आगे से इन फ्यूचर मैं शायद मे भी मैं आपका कोई गलत नाम नहीं डालता हूँ, ना ही मैं आपके खिलाफ कोई उस तरह से वीडियो बनाऊँगा या करूँगा। हाँ, जहाँ पर थोड़ा बहुत लगेगा मुझे वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म ज़रूर करूँगा। और मेरा बेसिकली मुझे शौक देखना है, और हर कोई जो है वो चाहता है शौक हमें दिखाया जाए। शौक का मतलब शौक होता है, और ये सब जो हैं ये ड्रामेबाजियाँ ये अब मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गई हैं। तो आप भी वीडियो डालें, दो तीन दिन से आपने वीडियो नहीं डाली है नासिर जी, तो ये नासिर भाई को मेरी वीडियो जो है सेंड कर दीजिएगा। बाकी किसी भी भाई के लिए मेरा कोई वो नहीं है, दिल में गिले शिकवे नहीं है, ना मैं पालता हूँ। लेकिन चले जो भी है, ये आसिम भाई के खातिर मैं वीडियो बना के नासिर भाई को ये मेरी वीडियो जो है मैं भेज रहा हूँ अपनी, उनको टैग कर दूंगा मैं, आसिम भाई को भी टैग करूंगा मैं, और खोखर को भी टैग करूंगा। और खोखर से भी यही कहूंगा कि खोखर यार, देख तेरा अपना एक नाम है, एक ब्रांड है बेसिकली, तुझे ज़रूरत नहीं है बेसिकली कि
किसी का नाम यूज़ करके या किसी के खिलाफ बात करने की। आपको 10-15-20 हज़ार व्यूज़ जो हैं वो आएंगे आएंगे हर वीडियो पे, जो आते हैं लोग आपसे प्यार करते हैं। और खैर कंटेंट जो होता है वो यूट्यूबर क्रिएट करना चाहता है, नो डाउट, ये मैं जानता हूँ। लेकिन स्टिल यही कहूँगा कि थोड़ा परहेज़ रखें। अब आपकी शादीशुदी होने वाली है और एक महीना बचा है, सभी भाइयों को बुलाएं अपनी शादी में और लाइव शादी दिखाएं हमें भी, और नासिर भाई को भी अपना जो सड़पाला बोलते हैं, सड़पाला जो भी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, वो बनाएं। तो नासिर भाई, असीम भाई, इनको बनाएं, इनकी जेदी को भी अपने साथ लेके आएँ वापस, और सभी के साथ जो है मिलके वीडियोज़ करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी मेरी तरफ से जो है कोई वो नहीं है कि सभी जो हैं मेरे भाई हैं और सभी के साथ मैं इक्वल हूँ। और खैर उम्र जो है ये सबसे प्यारा है, मुझे इसमें अपना आप दिखता है, तो खैर मैं इसलिए इसके रिलेटेड वीडियोस करता हूँ। आसिम भाई जो हैं वो भी प्यार वाले भाई हैं, बहुत अच्छे हैं इंसान, मतलब दिल के बहुत सच्चे इंसान हैं, वो अच्छे इंसान हैं, कोई बुराई नहीं है उनके मन में। खैर असीम भाई ने जो है हमेशा कोशिश की है न्यूट्रल रह के ये फैसले फूसले हो जाएं और सबका जो है मसले मुसले जो हैं ये सारे सॉर्ट आउट हो जाएं। और फिर से जो है असीम भाई से मैं यही कहूँगा, असीम भाई मैं जो भी है मेरा एक डिफरेंट कंटेंट में करता हूँ, मतलब डिफरेंट तरह से वीडियोज़ करता हूँ, मतलब कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको लेके मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आप भी उसमें शामिल हैं, उमर भी उसमें शामिल है, इवन कि नासिर भाई भी उसमें शामिल हैं, तो सभी भाई हैं हम लोग। खैर हमारी कोई पर्सनली ना ही कभी कोई रंजिश रही है, ना ही हम पर्सनली कभी किसी से मिले हैं, तो क्यों गिले शिकवे पालें। बेहतर यही है कि हम जो है अपने अपने काम में जो हैं मसरूफ़ रहें, बिज़ी रहें। और सब्सक्राइबर भाइयों से फिर से एक बार जाते जाते यही कहूँगा कि आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नासिर भाई की वीडियो पर कोई भी गलत कमेंट मत करिएगा। अगर आपको लगता है उन्होंने कोई गलत बात की है या गलत कोई चीज़ हुई है उनसे, आप सिंपली उनको कमेंट में जाके वो बात बोलें कि आपने गलत बात बोली है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि गलत नाम मत डालिए किसी का भी। तो चलें, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा मैसेज, मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को नासिर भाई तक या और भी भाइयों तक शेयर करिएगा, सभी के लिए। ये मैं अपने इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ पे भी ये शौक होता है कबूतरबाजी का, मैं उन सब भाइयों के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ कि आपस में मिलजुल के रहें और शौक दिखाएं, शौक करें। ऑलरेडी ये शौक बहुत गंदा माना जाता है, बुरा माना जाता है हमारी सोसाइटियों के अंदर, तो खैर अब तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे लोग भी आ चुके हैं इस शौक में, तो हमें इस शौक को और अच्छा करके यहाँ और अच्छा बना के दिखाना है। तो चलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।